सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 18/6/2020 को सुल्तानपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सपा नेता व प्रधानपति के हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। बताते चले कि पूरा मामला कुआ थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव का है, जहां पर कल सुबह पड़ोसी गांव मनियारपुर के दबंगों ने सपा नेता व ग्राम प्रधानपति मोइनुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उसका छोटा भाई गोली लगने से घायल हो गया था। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर आगजनी कर दुकान व कई कारें जला दी थी। मामले में एसपी ने मोर्चा संभालकर स्थिति को काबू किया था। एसपी ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त निर्देश दिए थे। एसपी के निर्देश पर स्वायत्त टीम व कुड़वार थाने की पुलिस टीम ने मामले के मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। पुलिस ने रिवॉल्वर व राइफल के साथ हत्या में उपयुक्त स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली। 24 घंटे के भीतर हुई इस गिरफ्तारी पर एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी देने की घोषणा की है। फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपी सगे भाई हैं। कल कुड़वार थाना क्षेत्र में प्रधानपति की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, जो आपस में एक बहुत छोटे से विवाद से शुरू हुआ था, बाइक और फोर व्हीलर के टच होने को लेकर। तो उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करी है। इस कार्रवाई के तहत जो तीनों मुख्य आरोपी हैं, मैं असले के गाड़ी के पकड़ लिए गए हैं। इनके ऊपर निश्चित रूप से सुल्तानपुर की पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें NSA की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जो हमारी टीम है वो निरंतर लगी हुई है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। जो टीम ने 24 घंटे के अंदर इन तीनों अपराधियों को पकड़ा है, उसको 10,000 रुपये का इनाम हमारे द्वारा दिया जा रहा है। क्या आप गेहूँ में सर पकड़े गए? अभी जो असले पकड़े गए हैं वो इनके लाइसेंसी असले हैं। इनका कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी हम शुरू करेंगे। निश्चित रूप से जो भी विधिक कार्रवाई है वो कठोर रूप से दंडात्मक रूप से की जाएगी।